इन लोगों का इनका ही अपना मंदिर है शायद, तो वहाँ भाई गए थे। मंदिर भगवान का होता है नहीं यार। है सो गाइस, इसका मंदिर नहीं, पूरे गांव वालों का मंदिर था। वैसे तो मंदिर था भगवान का हाँ मंदिर भगवान और हमारे गांव में था हाँ तो वहाँ गया था बस। पूजा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ध्रुव भंडारी ब्लॉग्स में। सो गाइस, आज की ब्लॉगिंग मैं घर से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 7:45 हो गए हैं, तो आज मैं थोड़ा लेट से उठा और आप देख सकते हैं अभी अभी जस्ट उठ रहा हूँ। तो अभी बिस्तर से तय हुए करके अच्छे संभाल जाएंगे, तो इतने दिन से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, कहीं बाहर नहीं जा पाया। उसका एक रीज़न था क्योंकि घर पे कोई नहीं था, मम्मी दीदी के वहाँ गई थी, तो इस वजह से मैं कहीं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो जस्ट कल आए तो अच्छा लगा, मम्मी जब घर पे आ गई, क्योंकि गाइस मम्मी नहीं होती तो थोड़ा घर पे काम वाम भी हो जाता है, थोड़ा अजीब लगता है, निसार लगता है निसार। तो आज मम्मी भी आ चुकी है, कल आ गई थी मम्मी। अभी हाथ मुँह बिंद है तो पहले हाथ मुँह धोते हैं, उसके बाद नाश्ता वगैरह करके मुझे आज जाना है सैलून पे बाल कटवाने के लिए, कि कल जाने वाला था तो कल फ्राइडे हो गया, फ्राइडे को मेरा जन्मदिन होता है तो नहीं गया मैं, तो आज जाता हूँ बाल वाल कटा के आता हूँ। बाल भी ऐसे हो गए इसे देख सकते हैं, बहुत ही बेकार लग रहे हैं बाल भी, थोड़ी दाढ़ी भी हो गई है, इन्हें भी अच्छे सेट करके आना है। तो बने रहिएगा इस मेरे ब्लॉग में, तो मस्त करके आपको नज़ारा भी दिखाया जाएगा। तो अभी जाते हैं थोड़ी देर में, समथिंग 9 बजे के करीब, तब तक नहा धो के तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, नाश्ता करके फिर निकलते हैं इस बने रहे मेरे इस ब्लॉग में। सो गाइस देख सकते हैं अभी बेड में ये बिस्तर ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे लेट में ही उठता हूँ तो कई डांट पड़ती है मेरे को लास्ट में उठने में। तो अभी इनको तय करते हैं बढ़िया करके फिर निकलते हैं गाइस। किट्टू किट्टू देख, किट्टू 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 देखो देखो देखो, किट्टू 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 लाओ हाथ दो हाथ। सो गाइस आज हमने बांध रखा है, इसके लिए जंजीर लानी है पहले मार्केट से मैंने, क्योंकि ये फिर भाग जाता है, ये आता नहीं है घर। तो अभी इसको मम्मी ने बांध रखा है कि फिर भाग जाएगा तो फिर हफ्ते नहीं आता है, ये बहुत शैतान हो चुका है ये, इसको नहलाना भी है कि नहला तो दिया था परसों बट आज और नहलाना है इसको, दिन में देखते हैं। ये देख सकते हैं हमारे फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको मैंने पहली वाली वीडियो में भी दिखाए थे अपनी जो पहली घर से बनाई थी। और ये भाई पहले बिस्तर तय रख देते हैं, बढ़िया करके रख देते हैं क्योंकि मेरे को भी ये बेकार लगता है, ये एकदम फैला हुआ, तो उसको पहले अच्छे तय करके रख देते हैं, फिर उसके बाद हाथ मुँह धो के फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर देखेंगे बाल कटवाने जाना है नहीं जाना है करके। मुझे जाना तो है क्योंकि बहुत ही गंदे हो जाएंगे इस, एकदम भारी भारी लग रहा है सर, दाढ़ी तो ऐसी होगी ना खुजली हो जाती ज़्यादा अगर लंबी हो जाती है, तो ये देख सकते हैं काफ़ी बेकार की है। तो मस्त करके एकदम स्मार्ट बन के आते हैं, मतलब कपड़े बन के आते हैं, बाल छोटे करा के आते हैं, वही बने रहे मेरे ब्लॉग में। सो गाइज नहा धो के तैयार हो चुके हैं, अब थोड़ा बालों में ड्रायर वायर लगा लेते हैं, उसके बाद नाश्ता वास्ता नाश्ता करने के बाद एक चक्कर मेरे को मार्केट जाना है, तो उसके बाद जाएंगे सैलून बाल कटवाने के लिए। तो देखो क्या होता है आगे, पहले गाइज पहले ड्रायर लगा लेता हूँ, थोड़ा बाल भी बहुत गिरे उड़ के, तो पहले ड्रायर लगा लेते हैं। ड्रायर लगाने के बाद थोड़ा बाल ड्राई टाइप के हो जाते हैं, तो इसलिए ड्रायर लगाना पड़ता है। कल से आदमी होंगे मेरे को ड्रायर लगाने की, तो उस वजह से ड्रायर लगाना पड़ता है, थोड़ा बाल भी ड्राई हो जाते हैं और सही हो जाता है उसके बाद। सो गाइस देख सकते हैं ड्राई लगाने के बाल थोड़ा ड्राई टाइप के हो चुके हैं, बढ़िया हो चुके हैं, और अब करते हैं हम नाश्ता। सो गाइस नाश्ता आ चुका है, और नाश्ते में मम्मी ने देखो क्या दे रखा है, बढ़िया करके पहले खाते हैं आपको दिखाऊं क्या है गाइस। सो गाइस ब्रेकफास्ट में पराठे, हरी सब्जी और एक गिलास दूध, मेरी फेवरेट है वैसे हरी सब्जी। तो पहले खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं मार्केट को, फिर जाना है सैलून, और बने रहे मेरे इस ब्लॉग में।
तो गाइस पहले नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि फिर खाना ठंडा हो जाएगा, और ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाता है तो खाने में मज़ा नहीं आता है। पहले खा लेते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं गाइस व्यू। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट, क्योंकि थोड़ा मार्केट में भी काम है और साथ ही साथ बैंक में भी जाना है एक बार, और साइबर कैफे में भी जाना है, क्योंकि साइबर में जाके थोड़े छोटे के कुछ डॉक्यूमेंट देने, मैंने उसने कुछ फॉर्म फिल कर रखे थे तो शायद उसी के कुछ डॉक्यूमेंट देने, अपना तो पिथौरागढ़ चले गया तो वही जाने भी मार्केट जाऊँ, वही उसी काम से मैं मार्केट जा रहा हूँ। उसके बाद जाते हैं हम सैलून, फिर आपको मस्त वाला व्यू दिखाऊंगा गाइस। सो गाइस अब निकलते हैं हम सैलून की तरफ, ये रही हमारी धन्नो। सो गाइस अब निकलते हैं हम मोतिया पाथर सैलून पे, क्योंकि बाल वाल कटाने हैं मेरे को, सर पटक का काम तो हो गया, मार्केट में जो डॉक्यूमेंट देने थे वो हो गया, तो अब निकलते हैं हम अपनी धन्नो के साथ। और गाइस बने रहे मेरे ब्लॉग में और देखें खूबसूरत नज़ारा, क्योंकि आज मौसम भी कहीं गंदा हो गया है, और सुबह कहीं गंदा मौसम हो रहा था, आज धूप तो बिल्कुल नहीं आई है। तो गाइस जो सामने देख सकते हैं पूरा ही कोहरा लग रहा है, वो भी आ गया, नहीं तो आपको सामने का पूरा नज़ारा दिखता, सामने पूरा जो पहाड़ है ना गाइस वो आप लोगों को पूरा दिखता वहाँ से, बट फॉग लग रहे गए उस वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। पूरा देख सकते हैं बस पूरा वहाँ का पहाड़ है तो आपको पूरा क्लियर दिखेगा। सो गाइस पहुँच चुका हूँ अभी सैलून पे, और अभी भैया ना नाश्ता कर रहे हैं तो उसके बाद कटिंग वटिंग कराते हैं फिर निकलेंगे घर को। बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं, ये ऐसे हो गए हैं, इनको अच्छे से सेट कर लेंगे। सो गाइस हो चुकी है बालों की कटिंग करके, हम निकलते हैं घर को। सो गाइस बालों की कटिंग हो चुकी है और शेविंग भी बना ली है, अब थोड़ा अच्छे लग रहे हैं बाल भी, और थोड़ा शेविंग भी सही लग रही है, क्योंकि गाइस थोड़ा बाल बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ही अजीब लगते हैं, मतलब सर भारी भारी टाइप का हो जाता है। कटवा लिए हम जाते हैं घर को अभी। सो गाइस एक हाथ से चल रही है अभी स्कूटी और एक हाथ से कर रहा हूँ वीडियो। भाई अभी तक मैंने हेलमेट लगा रखा था, अब थोड़ा बाल वाल ट्रायल वर्क लगा लिया है तो हेलमेट पहनूंगा तो बाल ख़राब हो जाएंगे, तो इस वजह से हेलमेट नहीं पहना है, कोई नहीं यहीं पे पहुंच जाएंगे। तो भाई आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, मैं आपके लिए एंटरटेन ब्लॉग लाते रहूँगा, आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और बहुत जल्दी मेरे 1K कम्प्लीट करा दीजिए सब्सक्राइबर। और बस गाइस और कुछ चाहिए आप लोगों से, आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, बने रहिए ऐसी। सो गाइस घर जाके ब्लॉग चलाते हैं, बने रहे मेरे इस ब्लॉग। सो गाइस घर पे पहुंच चुके हैं, ये रहा मेरा हेलमेट, और इसी पे अभी मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा था यहाँ पे फ़ोन लगा के। वैसे तो मैंने आपको अपना जो सेटअप था मोटो ब्लॉगिंग का वो तो दिखाया ही है। सो गाइस अब कुछ काम तो अभी है नहीं, तो बाल और कटवा लिए और हाथ थोड़ा करते हैं रेस्ट, इसके बाद शायद खाना खाएंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है। खाना ना खाने के बाद फिर आपको आगे का व्लॉग दिखाते हैं क्या होता है। वैसे अभी तो कहीं जाना वाना नहीं है, बट मेरे साथ क्या होता है ना कहीं अचानक से मेरे को कहीं जाना पड़ जाता है, क्या पता ऐसा ही कुछ हो जाए, तो देखते हैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थक गया हूँ गाइस। तो अभी मम्मी बाहर हैं, खाना बन गया है तो इसके बाद खाएंगे खाना। सो गाइस रेस्ट कर लिया, अब खाते हैं खाना, खाना भी बन गया है, अभी टाइम हो रहा है आपका 1:15 हो गया है, तो खाना ना खा लेते हैं, उसके बाद शायद मम्मी भी बर्तन वर्तन धो लेंगे, तो पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद आगे क्या होता है देखते हैं। सो गाइस यम्मी बना रखी है दाल, क्योंकि मेरी फेवरेट दाल है वो बना रखी है। सो गाइस अरहर मलके की दाल, अचार का टुकड़ा, और ये मेरी फेवरेट हरी सब्जी, पहले खाते हैं उसके बाद आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं गाइस। सो गाइस अभी जस्ट उठा हूँ और 5 बज चुके हैं, तो चाय वाय पी ली थी, कंचन भाई आए थे, कहाँ गया था तू आज? ये गया था आज मंदिर गया था, हाँ मंदिर में पूजा में जा रहा था, कहाँ नीचे क्वेटा ना। सो गाइस इन लोगों का इनका ही अपना मंदिर है शायद, तो वहाँ मंदिर भगवान का होता है यार नहीं है। सो गाइस इसका मंदिर नहीं, पूरे गांव वालों का मंदिर था, बस तो मंदिर था भगवान का, मंदिर भगवान और हमारे गांव में था तो वहां गया था, पूजा हो जाती तो
फिर मिलने उलने आ गया था, मैंने भाई को चाय वाय पिलाई, मजा आई नहीं आया, बिस्कुट बिस्कुट नहीं आया बिल्कुल कोई मजा नहीं आया। सो यहाँ आया था, अब कंजू भाई भी चीनी कम डाली है। हाँ चीनी कम, तो अब कंजू भाई जा रहे हैं घर को, तो छोड़ दो चले जाओगे? छोड़ दो यार, छोड़ दो यार, आधे रास्ते का तो छोड़ दो। सो भाई अभी छोड़ देते हैं इसको, सह पड़ा छोड़ देते हैं, उसके घर को चल जाएगा, फिर वापस मेरे को घर में आना, थोड़ा मम्मी के साथ हेल्प हो जाएगी। सो गाइस बने रहे ब्लॉग में। सो गाइस इवनिंग की चाय बन के आ गई है और अभी हम पियेंगे चाय, मस्त बना रखी है, दूध की है, काली है, दूध की गई, तो फिर चाय वाय पी लेते हैं, उसके बाद सब्जी वब्जी काटनी है मेरे को, फिर आटा गूंदा जाएगा, फिर बनाई जाएगी रोटी, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया आज मैं बनाऊँगी, तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो गाइस बने रहे ब्लॉग में और आपको आज मैं दिखाऊँगा अपने हाथों की गोल वाली रोटियाँ। सो गाइस आज बनाऊँगा मैं रोटी और आप देख सकते हैं अभी गोल मटोल रोटी बनाते हैं हम। सो गाइस ये रोटी बनाना सिखाया मम्मी ने, ये देखो कितनी गोल रोटी बना रखी है। और ये रहा हमारे पहाड़ों में चूल्हा, तो चूल्हे की रोटी कई मस्त होती है, गैस की तो मेरे को अच्छी नहीं लगती हैं, बस चूल्हे की अच्छी लगती हैं। ये होगी नली, इसे फूंकते हैं, ये आग जलाने के लिए होती है, तो ये रोटी पक जाती है, फिर नेक्स्ट रोटी बनाते हैं गाइस। सो गाइस देख सकते हैं कितनी गोल बना दी है रोटी, ये देख सकते हैं गाइस गोल मटोल। सो गाइस ये बन चुकी है, देखो गोल रोटी एकदम। सो गाइस रोटी बना के अभी बैठा हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर मम्मी थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं, उसके बाद खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर मूवी वूवी देखेंगे और उसके बाद देखो क्या होता है। सो गाइस खाना वाना खा लिया है, तो मम्मी ने अंडे की भुजिया रोटी और दिन में का थोड़ा चावल बच रखा था वही गर्म करके दे दिया था, तो मैंने तो खा लिया है, मम्मी और दादा खा रहे हैं अभी बाहर, इसके बाद मम्मी लोग खा लेंगे तो अपनी किट्टी को और बिल्ली को दे देंगे खाना, दूध और रोटी, क्योंकि दूध रोटी खाते हैं बाकी तो कुछ खाते हैं नहीं। सो गाइस कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि जो मेरी न्यू वीडियो आती रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। सो गाइस बहुत जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।